So hi everyone. So aaj we are with Dr. Das and today here we are going to discuss about brain stroke. So aap sabhi ko pata hai that I also had a brain stroke around 9 to 10 months ago in the May. So aaj hum log yahan par Fortis Hospital mein hai, that is in Gurgaon, and I am with Dr. Das. So hi sir, how are you sir? Yeah, hi. So namaskar. So as you said, we'll be talking today about a stroke, and this is an immense pleasure actually. मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है कि मैं जो आज इंटरव्यू जो दे रहा हूँ या जो भी इंटरेक्शंस हो रहे हैं आज हमारे I'll say कि मेरे फ्रेंड है अभी सो हिमांशु से हो रहा है और स्ट्रोक के बारे में बात कर रहे हैं और हिमांशु को खुद को स्ट्रोक हुआ था कुछ ही महीने पहले और ट्रीटमेंट के साथ उनको कंप्लीट रिकवरी हुआ है. तो कुछ फैक्ट्स के बारे में, कुछ जानकारी के बारे, बेसिक जानकारी के बारे में आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में और हिमांशु के साथ. तो सर सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है. लाइक काफ़ी लोगों को पता नहीं चलता, जब मेरे साथ जनरली क्या हुआ था कि जिस समय पर मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ था तो मुझे लगा कि थोड़ी देर में कुछ हुआ मुझे और फिर अचानक मुझे चल के उठ चल पड़ा और मैं चलने लगा. तो मुझे लगा नहीं कि ऐसा कुछ बड़ी चीज़ है, कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ है ऐसा कुछ. बट उस समय पर मुझे पता चलता लोगों से कि एक्चुअल में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो नहीं पता था. तो सबसे पहले सर हम आपसे स्टार्ट करते हैं सर, ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक या हमने कभी कभी बोलते हैं कि ब्रेन अटैक है ना. सो ब्रेन अटैक या हिंदी में हम लकवा बोलते हैं, जिसको ब्रेन में क्लॉट या ब्रेन के नसें फटने की वजह से होता है. सो ये दो प्रकार का होता है, जैसे कोई भी कारण के वजह से हमारे जो ब्रेन के जो नसें हैं, जो धमनी हैं, वहाँ पे क्लॉट चला गया और रास्ते ब्लॉक हो गया, तो ब्रेन का पर्टिकुलर एरिया जो है ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है. तो वो एरिया जो है जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो उनका जो लक्षण बॉडी में आता है, जैसे हाथों में पाँव में कमजोरी आ जाना, ये सारा थिंग. सिमिलर थिंग्स जो हो सकता है वो भी हो सकता है कि ब्रेन के जो नसें हैं वो फट गया है, आइदर ब्लीपी ज़्यादा होने की वजह से फट गया है, तो उसके वजह से भी इस तरह का ब्रेन अटैक या स्ट्रोक हो सकता है. तो सर जैसे ब्रेन स्ट्रोक होते हैं तो जब मैं कुछ रिसर्च किया था यूट्यूब वगैरह पर तो आई फाइंड आउट कि काफ़ी लोगों के अलग अलग एरियाज में इफेक्ट करता है. राइट, आई जैसे कुछ लोग हैं तो क्योंकि बॉडी इज परफेक्टली फिट राइट बट वो चल नहीं पा रहे हैं. कुछ जगह पर लोग होते हैं जहाँ पर कैलकुलेशंस प्लस माइनस वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं. तो किस किस टाइप से अगर फॉर एग्जांपल होता है तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर ब्रेन स्ट्रोक के बाद लोगों को फील ऐसा हो, लोगों को लगता है कि ठीक है. एग्जैक्टली. सो हिमांशु देखो, जो ब्रेन स्ट्रोक के बाद जो सिम्टम्स आता है, जो लक्षण है, राइट. सो जब भी हम ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बात करते हैं तो उनका जो लक्षण है उनको आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़रूरी है. इसलिए क्योंकि एक आम आदमी को किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है या नहीं हुआ है कैसे पता चलेगा, उस लक्षण के बारे में नहीं पता. तो और जैसे मैंने बताया है कि ब्रेन अटैक या स्ट्रोक जो होता है एक मेडिकल या सर्जिकल इमरजेंसी है और इसको जितना जल्दी आप आइडेंटिफाई करेंगे तो इसका ट्रीटमेंट है, इसको कंप्लीट रिकवरी भी हो सकता है जैसे हिमांशु को हुआ है. अभी जहाँ तक लक्षण का बारे में बात है, जैसे अभी ज़्यादातर जो हम लोग बात करेंगे जो ब्रेन अटैक या स्ट्रोक जो है क्लॉट के वजह से जो हो रहा है, जो क्लॉट के वजह से जो ब्रेन अटैक होता है वो ज़्यादातर वो कॉमन ज़्यादा वही है, अराउंड 80% 70-80% या 85% जो ब्रेन अटैक होता है वो क्लॉट के वजह से होता है. और ये क्लॉट जैसे ब्रेन में कहीं पे एरिया पे जहाँ पे जाएंगे, जिस एरिया पे ये ब्लॉक करेगा तो ब्रेन का जो पार्ट है जो माल फंक्शन होगा और उसी के सिम्टम्स आएंगे. जैसे आपको इन सिंपल टर्म्स हम बताते हैं, जैसे हमारे राइट साइड का जो कंट्रोल हो रहा है हमारा ब्रेन का लेफ्ट साइड से कंट्रोल हो रहा है, सिमिलरली लेफ्ट साइड जो कंट्रोल हो रहा है राइट साइड से कंट्रोल हो रहा है. फॉर ए राइट हैंडेड पर्सन, मेरा जैसे मैं राइट हैंडेड पर्सन हूँ, मेरा स्पीच का जो मेजर स्पीच एरिया जो है लेफ्ट साइड में है, तो हमारे लेफ्ट साइड का उस एरिया में क्लॉट गया और नसें ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, है ना. हाथों में पाँव में कमजोरी आ जाएंगे. सिमिलरली जैसे पीछे के नसें, ब्रेन के पीछे के नसें ब्लॉक आएगा तो उसमें आदमी को ऐसा हो सकता है कि उनको चलने में ऐसा लगता है कि एटेक्सिया जिसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं, लड़खड़ाना, जैसे दारू पी के चलते इस तरह का चलना, चलने के समय एक दो साइड में स्वेइंग होना या आँखों से अच्छे से दिख नहीं पाया, ये सारा सिम्टम्स आ सकते हैं. राइट.
तो सिम्टम्स को हम जैसे ये लक्षण को आइडेंटिफाई करना है, तो हमें जैसे वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन उनके तरफ से भी है कि देर आर सम एक्रोनिम, जैसे आप बोल सकते हैं कि फास्ट और बी फास्ट, इससे हमें पता चलता है। देर आर न्यूअर एक्रोनिम्स ऐसे, फॉर एग्जांपल सेव मी या बचाओ बोल के भी हम हिंदी शब्द बचाओ से भी हम याद रख सकते हैं कि क्या क्या लक्षण हैं जिसको हम जिससे हम स्ट्रोक को पता चले। सो बचाव के बारे में मैं बता चाहूँगा। बचाव का मतलब ब मतलब बाहू में कमजोरी आ जाना, जैसे हाथ पाँव सब कुछ ठीक थे और फटक से हाथों में या पाँव में कमजोरी आ जाना, उसको आप पूरा कमजोरी नहीं है तो इसे भी चेक कर सकते हैं कि उनको आगे की तरफ से हाथ लेके आने के लिए बोलिए। और आप इसे करके थोड़ा समय के लिए रखेंगे तो हाथों में कमजोरी है तो ये नीचे आ जाएगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा। सो हाथों में कमजोरी आ जाना, ग्रिप में कमजोरी आ जाना, बचाओ सो आवाज में तुतलापन आना है ना, जिसको हम जिसे जो चीज बोल रहे हैं वो क्लियरिटी नहीं है, ये सारा चेहरा में थोड़ा सा जिसे बोलते हैं बेंगा हो जाना, जैसे इससे करके दांत दिखाने बोलेंगे या हंसेंगे तो मुंह थोड़ा सा बेंगा हो जाना। सो ये सारा जो है कॉमन सिम्टम्स है। इसके बिना बाकी कॉमन सिम्टम्स जैसे हैं आप कोई फटक से बेहोशी हो जाना, तो ये भी आपको स्ट्रोक्स का लक्षण है। तो सर रीज़न क्या होता है, जैसे अगर ब्रेन स्ट्रोक में देखा है तो आई सर्च की थोड़ा सा सर्च मैंने किया तो उसमें देखा कि वन ऑफ द वेट मतलब जो वेट आपका बढ़ जाए, आपके अंदर अगर स्मोक कर आप कर रहे हैं या फिर आप कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ गया, तो ऐसे कौन से ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक किसी को भी हो सकता है? क्योंकि आजकल तो मैंने देखा है कि एक रीज़न काफ़ी डॉक्टर से हिसाब से मैंने बात किया था तो सर कि वन ऑफ द रीज़न इज स्ट्रेस, राइट? और काफी लोगों को लगता है कि सर मुझे तो कोई स्ट्रेस है नहीं, राइट? मैं एज ए यंग पर्सन तो ऐसा मतलब मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भाई एक स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, अगर फील ऐसा पता नहीं चलेगा कि आपको स्ट्रेस है या नहीं है, ये सब चीजें कैसे हैं सर, कौन कौन से यहाँ पर ऐसे किस वजह से हो सकता है? देखिए स्ट्रोक जो होता है जैसे मैंने पहले बताया दो प्रकार का, एक तो ब्लीडिंग वाला और एक आपका क्लॉट वाला, जो ज्यादातर हम जो बात आज कर रहे हैं क्लॉट के वजह से जो स्ट्रोक होता है। सो क्लॉट जो है ब्रेन में जो क्लॉट पहुंचते हैं उसका मेजर कारण आप देखेंगे तो जैसे किसी को ब्रेन के जो सप्लाई करने वाला जो नसें हैं वहाँ पे कहीं पर भी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ हुआ है तो वो कोलेस्ट्रॉल डिसलॉच होके ब्रेन तक जा सकते हैं और उसी के वजह से वो रास्ता बंद हो सकता है क्लॉट। दूसरा है कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम है और उसी की वजह से हार्ट में क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, वही क्लॉट ऊपर जा सकते हैं। इसके बिना बाकी जो कॉमन कारण है जैसे किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, किसी को कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा है, किसी को ओबेसिटीज हैं, तो ये सारा कॉमन कॉजेस हैं। इसके बिना जैसे आपने बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन आजकल के जो मॉडर्न लाइफ सो कॉल्ड मॉडर्न लाइफ उसमें हमने देखा है कि किसी को स्ट्रेस है या हम लोग हमारा जो आजकल फिजिकल एक्टिविटी भी काफ़ी कम हो गया है, जैसे पहले लोग हम लोग खेलते थे ये कहते, आजकल वो सारा एटलीस्ट जगह भी नहीं है और हमारे पास इतना होते भी नहीं है, एक्टिविटी नहीं होते हैं, तो एक प्रकार का सेडेंटरी लाइफ होता है, ऑफिस जाते हैं घर में आ जाता है बैठते हैं और हम लोग फास्ट फूड खा भी लेते हैं, मतलब हाई रिच कोलेस्ट्रॉल हो या आपका ऑयली फूड्स काफ़ी लेते हैं, पिज्जाज एंड ऑल, एब्सोल्युटली। सो उससे क्या होता है वेट गेन्स भी ज़्यादा तो होता ही है और उसके वजह से कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ जाता है और शरीर में, तो उससे वजह से क्लॉट फॉर्मेशन का रिस्क बढ़ जाता है। स्ट्रेस इज डेफिनेटली एन रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक एंड सिमिलरली अदर थिंग्स से फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग, जैसे स्मोकिंग आप बोल सकते कि मैं तो स्मोकिंग नहीं करता हूँ तभी भी स्ट्रोक ही होता है, बट मेजर मेट्रोपोलिटन सिटीज़ जो इंडिया में हैं आप देखेंगे तो मतलब दिल्ली के पकड़ लीजिए, इतना पोल्यूशन है तो इनडायरेक्ट आपको तो इससे भी स्मोकिंग हो ही रहा है, राइट? सो दीज आर द कॉमन फैक्टर्स, आई मीन लाइक जैसे शुगर बीपी जैसे मैंने बताया, सम अनकॉमन आर योर अनयूजुअल थिंग्स इज लाइक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जो है, ओबेसिटी है, डिसलिपिडीमिया है, मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, सो ये सारा कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि अभी यंग बंदे में ज़्यादा, जिनको कि कभी बीपी का भी प्रॉब्लम नहीं, शुगर का भी प्रॉब्लम नहीं, तभी भी स्ट्रोक लेके अफेक्ट होते हैं।